Hi Shardul, welcome to Filmy Beat. Hi, how are you? I'm good. So people loved your performance. Like, तो आप क्या कहना चाहोगे? Because आप घर में ऐसे wild card गए थे, लेकिन आपके पहले दो लोग निकल चुके थे. कविता कौशिक भी निकली थी, नैना भी निकल गई थी. क्या कहना चाहोगे? आपकी journey कैसी रही? एक मिनट, सपना is messaging. Can you add her? Let me check. Yes, one more. Shilpa is there. Yeah, sorry, Shilpa. Added. Yes. हाँ जी, तो redo the question. Yes, so yes, I was talking about your journey. Like आपसे पहले जो है कविता कौशिक निकल गई थी, then उसके बाद हमने देखा कि घर में नैना भी निकल गई and आप फिर भी तब तक टिके रहे. बाद में कविता दोबारा आई, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? तीन हफ्ते आपने निकाले, how was your journey? छोटी प्यारी यादगार. Okay. So, क्या सीखने को मिला आपको बिग बॉस के ये सीजन से इस घर से? कि जो 150 कैमरास नहीं देख सकते वो सलमान खान की आंख देख लेती है. उन्होंने मेरा दिल देख लिया, उन्होंने मेरी सच्चाई देख ली, उन्होंने मेरा दर्द देख लिया, उन्होंने मेरी तकलीफें देख ली, वो मुझे समझ गए. दूसरा, चाहे आप 60 मिनट दिखो या ना दिखो, ऑडियंस का दिल आप कुछ मिनटों में भी जीत सकते हैं, और वो हुआ, वो अभी भी हो रहा है. और तीसरा सिर्फ ये कि सीन कभी भी किसी के लिए भी पलट सकता है. एंड काफी इमोशनल भरा वो समय था शार्दुल, जब हमने टीवी पे देखा था, जब इजाज आपको आके यू नो कहते हैं कि लाइक अबाउट थिंक अबाउट योर मॉम एंड वो सारी चीजें, जब सलमान भी इनफैक्ट आपको कहते हैं कि शार्दुल आप भले दिखे नहीं, लेकिन जो चीजें जिस दौर से आप गुजर रहे हो उसमें भी आपने घर में आके लोगों को एंटरटेन किया और आपके चेहरे पर एक शिकंज भी नहीं आई. ऑडियंस काफी कनेक्ट किया, ऑडियंस काफी इमोशनल हो गया. एंड इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे वो भी यही चीज कह रहे थे कि पैनलिस्ट ने आके यू नो जैसे फराह खान और जो साथ में जो सीनियर जर्नलिस्ट आए थे उन्होंने आपको नॉमिनेट किया, वो कहीं ना कहीं अनफेयर था. आपको क्या कहना है उसके ऊपर? अब देखिए, अनफेयर और फेयर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर वो नहीं होता तो मैं शायद रह जाता. क्योंकि सिर्फ हम दो ही लोग नॉमिनेटेड थे, मैं और रुबीना, और रुबीना जितनी बड़ी स्टार के सामने मैं कहाँ ही टिक पाता था. क्योंकि उनके पास 5-6 साल का नंबर वन शो रहा है. अगर मेरे पास 2.5 साल का भी होता तो शायद बात अलग होती. तो फर्क बहुत ज़्यादा था फैन फॉलोइंग में. हाँ, वो नहीं होता तो मैं 100% बहुत आगे तक जाता. ये मुझे मालूम है, ये बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कह रहे हैं, बट क्या कर सकते. घर से निकलने के बाद कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? प्यार बहुत मिल रहा है जेन्युइनली. एक होता है कि अरे आपको हमने बिग बॉस में देखा और आप तो बहुत ही कमाल है और आप तो बहुत ही ये है, लेकिन ये जो इमोशनल प्यार होता है ना, इसके नंबर्स नहीं होते हैं, इसका इम्पैक्ट होता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हम आपकी मम्मी के लिए दुआ कर रहे हैं या आपके लिए दुआ कर रहे हैं. सम पीपल आर सेइंग दैट दे वांट टू सेंड थिंग्स फॉर मी. ये होता है प्यार. ये नंबर्स में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि क्या है, आजकल के ज़माने में हम लोग नंबर्स के पीछे बहुत पागल हो गए हैं. लोग वोटिंग ट्रेंड्स खरीदते हैं, लोग ट्विटर चीज़ें खरीदते हैं. सबको पता है, हम सबको पता है कि सब कुछ खरीद जा सकता है आजकल. मैंने कुछ नहीं खरीदा है क्योंकि खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन बढ़ता जा रहा है प्यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. देखिए, पवित्रा से तो मैं रहूंगा ही टच में, बाहर भी. मैं एक्चुअली ज्यादातर लोग मेरे से टच में रहेंगे बाहर. आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जिससे मिलने में लोगों को बुरा नहीं लगेगा. इनफैक्ट कविता जी भी मुझसे मिलेंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है. और ये इस बात में मुझे घमंड है, घमंड, प्राइड, आप कुछ भी कह लें, कि मुझसे ज्यादा देर तक कोई नाराज रह नहीं सकता, मुझसे ज्यादा देर तक कोई चिढ़ नहीं सकता.
ये मैं जब घर से भी निकलने वाला था ऐसा लग रहा था, तब मैंने सबको बोला था कि मेरे जाने पे तुम सब रोओगे, और वो हुआ, वो दिखाया नहीं गया लेकिन वो हुआ। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे मिस करेंगे, जो हो रहा है, जो बाइट साइज आ रही है लोगों की बाहर, तो उस पे तो मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कविता जी ने अभिनव और रुबीना को बोला था कि शार्दुल से दोस्ती क्या करना, इससे तो कोई दोस्ती मत करना। मैंने कहा ये दोनों खुद मुझसे दोस्ती करेंगे। एंड जब सलमान सर ने अनाउंस किया रुबीना और मेरा, तो रुबीना ही सबसे ज्यादा देर तक मुझे गले लगाकर मुझे बोली कि अब तुम देखो क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं होने वाला। तो मुझे आता है लोगों के दिल में बैठना, और वहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमने अभी घर में देख रहे हैं, जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती जो एकदम ऐसे बहनों जैसी थी, अब वो टूटने के कगार पे है टास्क के दौरान, इसके बारे में आपको क्या कहना है, कौन सा रियल है, दिस वन और दैट वन वी हैव सीन अर्लियर? दोनों मेरे हिसाब से जब तक गेम में लोग एक दूसरे के सामने आकर नहीं खड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत रहती है, पर जब कंपटीशन आ जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो दोस्तों के लिए टास्क में बैठ जाते हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं और उनका नाम होता है शार्दुल पंडित। ओके शार्दुल, हमने एक वीडियो देखा आपका जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे आपने कहा था कि लाइक आप जान का पर्दाफाश करोगे, एंड देन आपने कहा था कि आपको जान के टीम से कॉल वॉल आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो मस्ती थी, आपने देखा भी होगा अगर वो वीडियो देखे तो आप देखिए। मैंने ना एक चीज सोची कि जब मैं बाहर आया तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। 24 घंटे में बहुत कुछ होता है अंदर, जो सब कुछ तो बाहर आ नहीं सकता, और सबकी अजीब अजीब सी क्वर्क होती है, मस्ती होती है, हरकतें होती है। मैं जैसा इंसान हूँ, मैं एक्सपोजिंग भी अगर करूँगा तो मैं किसी की एक्सपोजिंग करके नीचता ही नहीं दिखाऊंगा, मैं प्यारी क्यूट हरकतें ही करूंगा। क्योंकि बाहर भी आके अगर आप देखें तो मेरे बारे में जनरल इमेज या जनरल परसेप्शन जो है वो यही है कि ये लड़का प्यारा ही है, तो मैं जो हूँ वही रहूंगा। अगर मेरे खुलासे भी होंगे, जैसे मुझे कल किसी ने कॉल करके कहा कि कविता जी मेरे और एजाज के बारे में हर जगह जाके कहती थी कि हम दोनों विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से घर में कहा है और कैमरे पे कहा है। आप मेरा खुलासा कविता जी के बारे में जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे देखिए, वो दिखा देता है कि मैं कैसे रहता हूँ और लोग कैसे रहते हैं। भाई मेरी माँ ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि नफरत जो है वो थोड़े समय तक चलती है, मोहब्बत जो है वो लंबे समय तक जाती है, बहुत लंबे समय तक जाती है। आप किसी को ऐसे बिग बॉस में कितने कंटेस्टेंट्स आए हैं आज तक जिन्होंने बहुत अच्छे झगड़े किए, जिन्होंने बहुत एक दूसरे को नीचे दिखाया, वो आगे भी गए लाइफ में उस शो में, पर वो कहाँ हैं? और जो लोग दिल में बैठ गए वो ही लोग आगे तक गए हैं, चाहे वो हिना हो, चाहे वो आसिम हो, चाहे वो शहनाज हो, चाहे वो कामया हो, ये सब दिल में बैठे थे लोगों के, और इसीलिए लोग आगे गए लाइफ में। इवन श्वेता तिवारी, वो भी लोगों के दिल में बैठी। तो अगर मैं 3 हफ्ते में वो कर गया जो लोग 3 महीने में करते हैं, और क्या चाहिए, खुलासे होंगे अभी और, लेकिन ऐसे ही होंगे। किसके खुलासे आप करना चाहोगे, लाइक स्पेसिफिकली अगर मैं आपको पूछूं तो? मैंने आज एक ट्वीट किया है कि बताइए अगला खुलासा किसका करूं। देखिए मेरी लिस्ट में रुबीना भी हैं, अभिनव भी हैं, जैस्मिन भी हैं, अली भी हैं, निशांत भी हैं, नैना भी हैं, एजाज भी हैं, पवित्रा भी हैं, जान भी और बिग बॉस भी हैं। ओके सो सबसे पहले अगर हम आपको पूछे कि रुबीना और जैस्मिन के ऊपर खुलासा करना है तो इन दोनों के बारे में कौन सा ऐसा खुलासा आप करना चाहोगे? मेरा कंटेंट मैं आपको क्यों दूं? लेकिन स्टिल आप उनके साथ थे, आप उनको माइंड भी ऑब्वियसली सब बड़े स्टार्स, आप पहले भी उनको मिले होंगे, तो जब आपने पहले उनको देखे। जैस्मिन के बारे में मुझे एक खुलासा करना है कि वो वीडियो मुझे अभी मिला वोट पे कहीं पे, किसी ने मुझे भेजा है कि जैस्मिन ने मेरे साथ रह के खूब फ्लर्टिंग करी है, ठीक है, और रुबीना ने हमारे लिए हैशटैग भी बनाया था शार्मिन, और जैसी अली आए जैस्मिन मुझे भूल गई यार। तो इस बात से मेरा बहुत दिल टूटा है और मैं जैस्मिन को छोड़ूंगा नहीं इस चीज के लिए। Exactly, जब आप रेड जोन में थे तभी आपने ये चीजें कही भी थी कि you know, अभी अली घर में आएगा लेकिन मैं जैस्मिन के साथ अब खूब फ्लर्ट करूंगा, तो उसके बाद फ्लर्टिंग हुई नहीं? नहीं यार, बताओ
किस टाइप की हरकतें हैं। ओके एंड उसके बाद अगर मैं बोलूं कि गेम जैसे चल रहा है सबका, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में टॉप 5 में आप किसको देख सकते हैं? पवित्रा अली एजाज रुबीना राहुल और जैस्मिन में से कोई भी हो सकता है। ओके एंड अगर मैं घर में जो लव ट्रायंगल और लव रोमांस चल रहा है माहौल, उसके बारे में आपको क्या कहना है? एजाज और पवित्रा का जो हम देख रहे हैं वो कितना रियल या कितना फेक लग रहा है आपको, क्योंकि आप उनके साथ रह के आए? मुझसे तो दोनों ने खुल के बातें करी हैं, बट मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस थी वो, और दोनों ने बहुत भरोसे में मुझसे कही हैं, अकेला मैं हूँ जिससे कही हैं। तो धीरे धीरे जब जब मुझे लगेगा कि अभी ज़रूरत है बोलने की, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आप बोल के अपना तो ठीक है, दूसरों का कुछ नुकसान कर सकते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। दोस्त हैं पवित्रा मेरी, और एजाज ने भी मेरा काफी साथ दिया है, तो जब मैं घर में नीचता ही नहीं करके आया तो यहाँ क्यों करूँगा? लेकिन आपके हिसाब से वो रियल है या आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टीआरपी फैक्टर के लिए? अटैचमेंट रियल है। एंड व्हाट अबाउट जान एंड निकी? बिल्कुल रियल नहीं है। क्या लग रहा है कौन किसको घर में यूज कर रहा है? बहुत सारे लोग सबको यूज कर रहे हैं, जैसे जब कोई इम्यूनिटी टास्क या कैप्टेंसी टास्क आता है तो लोग अपने दोस्तों की दोस्ती भी यूज करते हैं। हम उसे नेगेटिव नहीं मानते क्योंकि वो दोस्त हैं, पर यूज करना तो वो भी है। लोग अपनी जोड़ियां यूज करते हैं, लोग अपने दुश्मनी यूज करते हैं दिखने के लिए, यूज सब सबको कर रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। मैं हमेशा शो में एक चीज कहता था, हमाम में नंगे तमाम। और इसके अलावा शाहुल, अगर मैं आपको पूछूंगी, जैसे कि हमने कल का टास्क देखा, कैप्टेंसी टास्क जो रद्द हो गया, जहां पर जैस्मिन रुबीना को एक्सपेक्टेशन थी कि जैस्मिन जो है वो और अली जो है उनको सपोर्ट करेंगे, बट जैस्मिन जो है वो राहुल को सपोर्ट करती है, टास्क जो है पूरा रद्द हो जाता है, तो इसके बारे में अभी आपको क्या कहना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है? कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात अगर आप देखें तो अली और जैस्मिन अगर राहुल को चूज कर रहे हैं तो आसान है ना, राहुल एक है, जब आगे गेम में जाएंगे तो राहुल एक अकेले कॉम्पिटिशन बचेंगे, लेकिन अगर वो रुबीना और अभिनव को सिलेक्ट करते तो दो है, तो दो और एक का मसला है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे सबको जाना है, तो अपना दिमाग लगा के लोग खेल रहे हैं। अब राहुल एक अकेला है, अगर एक अकेले की जगह दो लोगों को आगे लेके चलेंगे तो नाव में ज्यादा भार हो जाएगा, तो एक को फेंकना आसान होता है, दो को फेंकना मुश्किल होता है। ओके एंड अगर मैं अभी आपको पूछूं कि जैसे कि सबको पता है कि सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, उनके मतलब उसके बारे में कुछ रिएक्शन अगर आप देना चाहोगे, बिकॉज वो बिग बॉस पे आके शूट करते थे, लेकिन अब वीकेंड का बाहर का क्या होगा? I just want to wish and pray that bhai is safe, everyone around him is safe. वो इंसान जो दूसरों को सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं देता है, उनके लिए मेरी और मेरी मॉम की और मेरे घर वालों की दुआएं हैं। सलमान खान एक ऐसा नाम है, जैसे ही मेरे सामने कोई लेता है मेरी आंखें अपने आप पानी आने लग जाता है, बिकॉज मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ, 150 कैमरे और पूरी देश फेल हो गया था वो देखने में, जो उन्होंने मेरे अंदर देख लिया और रिकग्नाइज कर लिया। बहुत कुछ कह गए थे वो उस दिन, बहुत कुछ समझ गया था मैं उस दिन जिस दिन हमारा एविक्शन का वार हो रहा था, और बहुत कुछ कभी भी मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन जब उन्होंने कैमरे पे पलट के कहा कि इस एविक्शन से मुझे दुख हुआ है, कोई भी समझदार इंसान बहुत कुछ समझ जाएगा, तो आई थिंक मेरी हमेशा उनके लिए दुआएं रहेंगी। आई विश कि मैं उनसे बात कर पाता, आई विश कि मेरे पास उनके लिए कोई कुछ कॉन्टैक्ट होता, तो मैं उन्हें ये कहता कि हमेशा दुआ में करता था अपनी माँ के लिए और अपने काम के लिए, अब उस दुआ में उनकी सलामती हमेशा रहेगी।
ओके अगर मैं आपसे एक रैपिड फायर खेलूं जाने से पहले तो फिर मैं आपको सिर्फ नाम लेना है, मैं आपको पूछूंगी, ठीक है? सो लेट्स प्ले दिस। घर में सबसे ज्यादा शातिर और कनिंग कौन है? अली पवित्रा, अली एजाज। ओके एंड घर में सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर कौन है? निकी। ओके घर में येड़ा वन की पेड़ा कौन खा रहा है? खा रहे थे जान। ओके एंड घर में डबल ढोलकी कौन है? यहाँ पर भी वहां पे भी थाली का बैंगल। निकी। ओके फेक कौन है घर में? सब एक दूसरे से सब फेक हो जाते हैं जब किसी को कुछ चाहिए होता है, क्योंकि उनकी असली इमोशन झगड़े में बाहर आता है, वरना सब एक दूसरे को आप इतने प्यारे हैं, आप इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, आप उतने अच्छी हैं करते रहते हैं। घर में एकदम प्रिटेंशियस कौन है? फेक और प्रिटेंशियस एक ही तो चीज है। हाँ बट स्टिल ऐसे खुद को बहुत दिखाता है, मतलब दिखावा ज्यादा किसमें है? सब दिखावा कर रहे हैं, कोई जो रियल होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। Right. मेरा वही था नेक्स्ट क्वेश्चन कि घर में रियल कौन लग रहा है आपको? बाहर हो चुके हैं वो लोग। वो तो बाहर हो चुके हैं, अब जो बचे इसमें से आपको क्या लग रहा है कौन है रियल? इस वक्त कोई नहीं, सब गेम खेलने। इस वक्त ये दोस्तियां भी बदलेंगी, ये एसोसिएशन भी बदलेंगे। आई थिंक अभिनव और रूबीना एक दूसरे के लिए रियल हैं, जैस्मिन और अली एक दूसरे के लिए रियल हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी रियल हैं और वो सच्चा बॉन्ड है उन लोगों का, वो एक दूसरे के साथ नाटक नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। आई थिंक पवित्रा मेरे साथ बहुत रियल थी, जो था मुंह पे था, जो नहीं था तब हमारे झगड़े भी हुए और उन झगड़ों के बाद हम लोग गले भी लग जाते थे, वो भी कर लेते थे, पर वैसा बॉन्ड अब उनका मेरे को नहीं लगता किसी और के साथ है। ओके एंड आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैस्मिन जो है अली से इन्फ्लुएंस हो गई, जब से अली घर में आए हैं जैस्मिन अली के इशारों पे ही गेम खेल रही है एंड देन अब वो अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं समझ पा रही है, ना ही वो लोगों को कन्विंस कर पा रही है। जैसे कि हमने देखा कि अब जो है जैस्मिन की वजह से कहीं ना कहीं अभिनव और रुबीना भी हर्ट हुए हैं एंड लोग कह रहे हैं कि वो जो है अली की इन्फ्लुएंस में आई है, जब तक अली नहीं थे वो अपना गेम खेल रही थी एंड अब वो एक अलग ही हो गई हैं। इनफैक्ट घर में भी जो है पवित्रा ने भी कहा कि जैस्मिन में थोड़ा मतलब अकड़ आ चुका है, ये कविता ने भी कहा है एंड इनफैक्ट ये चीज कविता ने भी कहा कि अली जब से आए हैं तब से जैस्मिन का गेम पूरा बदल गया। पर बदलेगा ही ना, जब अली आए ही जैस्मिन के लिए हैं तो क्या गेम नहीं बदलेगा? ये तो हम सबने देखा था, सुना था कि जब जैस्मिन काफी परेशान हुई थी तभी अली आए थे, बिग बॉस ने भी अनाउंस किया था कि एक दोस्त की तकलीफ के लिए एक दोस्त आया है, तो वो क्यों नहीं बदलेगी? देखिए लोग 50 बातें कहते हैं, उसमें से असल बातें कितनी है मुझे ये जानना है कि ये आपसे किसी ने पर्सनली कहा या ट्विटर पर जो पेड लोग होते हैं उन्होंने कहा। बस ये ट्विटर पे ही बातें हो रही हैं। अब उसमें से मुझे जानना है कि वो रियल लोग हैं या पेड टीम्स लिख रही हैं। जवाब आपके पास भी है। अगर अभिनव और रुबीना ये कहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अगर उनको, क्योंकि उनको अंदर समझ में आ जाएगा अगर उनकी दोस्ती टूट रही है तो। पर इन चीजों को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं खुद एक एक्टर रहा हूँ जिससे खुद को ऑफर्स आए हैं कि आप हमें हायर कर लीजिए, हमारी टीम्स आपके लिए लिखेंगी एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे पास पैसे थे नहीं। ये गेम तो अब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको कैसे नहीं पता? ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप 3 में आप किसको देखना चाहते हो? टॉप 5 बता दिया, अभी आप मुझे टॉप 3 पूछ रही, फिर आप मुझे टॉप 1 ही पूछ लेंगे, आप तो मुझे मरवाने के लिए बैठी हुई हैं। भाई टॉप 5 बता दिए, बहुत ठीक है वहीं तक, उसके आगे का देखेंगे बाद। अच्छा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, आप जीतते हुए किसको देखना चाहते हो? मेरा फेवरेट इंसान और मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट दोनों अलग होगा। ओके दोनों कौन है? मेरी फेवरेट इंसान तो ऑब्वियसली पवित्रा ही रहेंगी, पवित्रा और अली दोनों, क्योंकि दोनों से दोस्ती और मैं दोस्ती एंड तक निभाता हूँ चाहे डिफरेंसेस आए या ना आए। कंटेस्टेंट इस वक्त एजाज, देखने के लिए बहुत मजेदार चीजें हो जाती हैं एजाज के सामने, मतलब टीवी शो पे, तो मेरे फेवरेट इंसान अली और पवित्रा है और कंटेस्टेंट एजाज।
एजाज को लोग कह रहे हैं कि ये सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं, उनको पूरा मतलब बिग बॉस 13 ये घूट कर आए हैं। क्या लग रहा है आपको, सच में भी वो अननेसेसरी घर में फाइट करते थे? उनका जो टॉपिक रहता था आपको क्या लगता था, वो अननेसेसरी प्रोवोक करते थे या वो रियल में ही वैसे इंसान है, लाइक उनकी पर्सनैलिटी वैसी है? सिद्धार्थ कब अननेसेसरी झगड़ा करते थे? नहीं, लोग ऐसे कर रहे कि ये उनको कॉपी कर रहे हैं। यार देखो, अगर वो उनको कॉपी कर रहे हैं और कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज सिद्धार्थ से बेटर कंटेस्टेंट तो था नहीं, जीते हैं सिद्धार्थ, तो अगर कॉपी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जहाँ तक मैंने उनको अंदर देखा है, उनकी अपनी अलग पहचान है, उनके अपने अलग स्ट्रगल्स हैं, वो ऐसे क्यों हैं उसके पीछे कारण है जो मुझे पता है, क्योंकि हमारी बातें हुई हैं अंदर। बहुत आसान होता है टीवी पे देख के बोल देना कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, किसी के आंसू क्यों निकले, किसी के क्यों नहीं निकले, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। अगर सलमान खान ने वो चीज़ बाहर नहीं लाई होती मेरे बारे में, तो लोग समझते कि ये तो लूजर है। तो पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है जो हम लोग जानना और देखना नहीं चाहते। Alright, तो आपको अभी जाने से पहले क्या कहना है आपके फैंस एंड ऑल द बिग बॉस लवर्स को, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? कि आप मेरा साथ दें, मेरी जर्नी जल्दी खत्म हो गई, नहीं होने वाली थी उस वक्त, अब मुझे आपकी मदद चाहिए, कि आपकी भी, जर्नलिस्ट की भी और फैंस की भी, क्योंकि अगर मैं घर वालों द्वारा नॉमिनेट हुआ होता और फिर वोटिंग में आउट हो जाता तो कोई दुख नहीं रहता। दुख अभी है कि मुझे वक्त कम मिला, इसलिए सबसे गुजारिश है कि कलर्स और भाई ने बोला था कि जब मदद चाहिए तो बोलो, मदद मांग रहा हूँ, खुल के मांग रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, चाहे वो री एंट्री इन बिग बॉस हो या फिर वो कोई होस्टिंग का शो हो कलर्स पे, या एंकरिंग या एक्टिंग का शो हो, जितने आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं फैंस एंड जर्नलिस्ट बाय मेकिंग इट रीच टू कलर्स टू सलमान खान सर, उतना मेरे लिए ईजी होगा। सो प्लीज अगर आप वो कर सके तो कर दीजिए, क्योंकि एंटरटेन तो मैं कर सकता हूँ, ये आपको भी पता है और मुझे भी। थैंक यू सो मच शार्दुल, ऑल द वेरी बेस्ट, डेफिनेटली वी वांट टू सी यू अगेन एंड वो बहुत ही जल्दी दिखेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।